you're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are. Hello everyone, welcome to the channel Gear Infotech. आज का हमारा कंटेंट स्कोडा सिलाविया के ऊपर होने वाला है। एंड अगर हम बात करें इस गाड़ी के वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको एक्टिव एम्बिशन, स्टाइल एनआरएस और स्टाइल, ये चार वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी की अगर खास फीचर्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। एंड उसी के साथ चूँकि एक सेडान व्हीकल है, तो एरोडायनेमिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर लाइंस को जो आपके हुड के ऊपर डिज़ाइन की गई हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक्स में गाड़ी को हेल्प करती हैं एट द टाइम्स ऑफ हाईवेज। अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे ग्रिल जो है आपकी काफ़ी अच्छी दी गई है, एंड उसकी वजह से कूलिंग भी अच्छी होती है। यहाँ पे आपको ग्रिल के ऊपर क्रोम सराउंड्स दिए गए हैं, ये भी कार को एक बोल्ड सा लुक देते हैं एंड काफ़ी अच्छा अपीलिंग लुक देते हैं। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव लगता है एंड उसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प भी करता है इंजन को कूल करने के लिए। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एयर डैम दिया गया है, ये भी कूलिंग में अच्छा हेल्प करता है। अगर यहाँ पे आगे की तरफ बात करें, तो हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं, हेडलैम्प्स की जो यहाँ पे डिज़ाइन है वो यहाँ पे एल शेप्स डीआरएल्स हैं, जो कि सामने से कार एकदम आपको ऐसी लगेगी कि लाइक इट्स समथिंग वेरी यूनिक और समथिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप एंड इस तरफ आपके इंडिकेटर्स, नीचे की तरफ आपका फॉग लैम्प का सेटअप आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरफ भी आपको क्रोम गार्निश की फिनिश दी गई है, अच्छी लगती है। ये सारी छोटी छोटी क्रोम फिनिश अच्छे लगते हैं, कार को एक अच्छा अपीलिंग लुक देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कार की साइड प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे तो अगर साइड प्रोफाइल की यहाँ पे बात करें, तो आप टायर का साइज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड उसी के साथ अगर गाड़ी के डिमेंशन के बारे में बात करें, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है इस समय। यहाँ पे अगर हम बात करें ओआरवीएम्स की, तो ओआरवीएम्स का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जा रहे हैं एंड यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग देखने को मिल रही है, अच्छी लगती है। ये हमने देखा है कि स्कोडा अपने हर कार या अपने हर प्रोडक्ट में ये चीज़ देता ही है। यहाँ पे इस तरफ आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंड उसी के साथ यहाँ पे मैं आपको डोर की बिल्ड क्वालिटी फील कराना चाहूँगा। बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं की गई है, ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। एंड उसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें विंडोज़ की, तो यहाँ पे आपको विंडोज़ भी काफ़ी ज़्यादा रूमी लगती हैं, तो कैबिन भी आपका रूमी लगेगा क्योंकि विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। यहाँ पे फ्रंट में अगर हम बात करते हैं, तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रहे थे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे आप एलॉय का सेटअप भी देख सकते हैं, एलॉय भी अच्छा लगता है। सेंटर में आपको स्कोडा की बैजिंग देखने को मिल रही है। सो नाउ लेट्स क्विकली जंप इन द रियर इंटीरियर्स ऑफ द कार। डोर की बात करें, तो डोर अच्छा खासा वाइड ओपन हो रहा है एंड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको विंडो का ऑप्शन है एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के साथ आपका हैंडल है। इस तरफ आपके ट्विटर का ऑप्शन है एंड इस तरफ आपका पावर विंडोज़ के ऑप्शन है। वहीं पे यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट है, नीचे की तरफ यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर है एंड दैट्स अ स्पीकर। अब अगर बात करें यहाँ पे नी रूम के बारे में, तो ऑफकोर्स इट्स अ सेडान, तो सेडान में नी रूम की कोई कमी नहीं होती है, कोई कमी नहीं है सेडान में। एंड यहाँ पे हेडरूम के बारे में बात करें, तो हेडरूम में भी मुझे कोई कमी नहीं लगी, लाइक सच में कोई कमी नहीं है हेडरूम में। वहीं पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे रियर कंफर्ट के लिए आपको एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको दो चार्जिंग पोर्ट्स यूएसबी टाइप, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो दो एक आर्मरेस्ट है विद टू कप होल्डर्स एंड ऊपर की तरफ आपको रूफ पे आपको दो सेपरेट रीडिंग लैंप्स देखने को मिल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कार के रियर साइड के बारे में। यहाँ पे तो ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, जो कि कार की एरोडायनेमिक्स में हेल्प करता है। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको डिफॉगर का ऑप्शन मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प का ऑप्शन मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको बड़ी सी स्कोडा की बैजिंग मिल रही है। टेल लैम्प्स की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एलिगेंट लगती है देखने में एंड यहाँ पे आपको सिलाविया की बैजिंग देखने को मिल रही है। इस तरफ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का ऑप्शन मिल रहा है एंड उसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको 521 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है, जो कि एक्सपेंडेबल भी है। हालांकि हमने नॉर्मल सेडान्स में देखा है कि जो भी नॉर्मल सेडान्स होती हैं उनकी सेकंड रो फोल्ड नहीं होती है, बट सिलाविया में यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन दे रहा है एंड उसकी सेकंड रो यहाँ पे फोल्ड होती है एंड वो सेकंड रो भी थर्ड तीन हेडरेस्ट के साथ आती है, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। यहाँ पे आपको तीन पार्किंग सेंसर्स भी मिल रहे हैं बम्पर्स पे एंड उसके साथ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ स्कोडा सिलाविया एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिलाविया, यहाँ पे आपके सिलाविया में आपका ये एम्बिशन वेरिएंट है, दैट्स जस्ट आफ्टर द एक्टिव वेरिएंट। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे ऊपर की तरफ स्पेस मिलती है थोड़ी सी,
बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है एंड अच्छी है बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। सेफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिल ही रहे हैं एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको ए पिलर्स पे ट्विटर्स देखने को मिल रहे हैं। आगे की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप एयरवेंट्स की डिज़ाइन देख सकते हैं। स्कोडा हमेशा से इन चीज़ों पे काम करता है कार को लग्जरी फील देने के लिए, कार में आपको लग्जरी फील हो उसके ऊपर स्कोडा हमेशा काम करता है एंड दैट्स ये आप देख सकते हैं, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कि ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये इतना ज़्यादा एलिगेंट दे रहा है लुक जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें डैशबोर्ड के स्पेस के बारे में तो डैशबोर्ड के ग्लव बॉक्स में अच्छी खासी डिसेंट अमाउंट्स की स्पेस है एंड यहाँ पे आप अपना कॉइन वगैरह स्टफ रख सकते हैं। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है। इस तरफ आपको USB टाइप चार्जर्स देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल से आपके यहाँ पे हैंड ब्रेक है एंड ये आर्मरेस्ट आपका स्लाइडर है एंड उसी के साथ आर्मरेस्ट में आपको स्पेस भी देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे गाड़ी की स्टीयरिंग के बारे में तो यहाँ पे आपने देखा ही है हमेशा से स्कोडा में 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आती है जो कि स्कोडा का ही अपना है। कि जैसे आप, मुझे भी ये कभी लगता है, कभी कभी लगता है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा हाईवे पे जाते हैं या ड्राइव करते करते थक जाते हैं तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है ना, उससे आप कार को बहुत इजीली यहाँ पे आप स्टीयर कर सकते हैं। ये जो स्कोडा का कंसेप्ट है ये काफ़ी अच्छा है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे आप आराम से अपने थाई का सपोर्ट लेकर के एंड इजीली आप अपने कार को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड उसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टीयरिंग की तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ आपका इग्निशन को ऑन करने का आपको ऑप्शन है, यहाँ पे आपका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, कुछ इस तरह से कार आपकी इग्निशन पे दिखती है। यहाँ पे अगर हम आगे की तरफ बात करें तो स्टीयरिंग के जस्ट बगल में आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टोर कर सकते हैं एंड इस तरफ आपको हेडलाइट लेबलिंग के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इधर से आप अपनी हेडलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस तरफ आपके नॉर्मल से इंडिकेटर्स को एंड इधर आपके वाइपर एंड वॉशर्स के लिए ऑप्शन है। इंटरेस्टिंग चीज़ इस गाड़ी की ये है कि यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। यस, ये एम्बिशन वेरिएंट है एंड एम्बिशन वेरिएंट में भी आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अच्छी चीज़ है ये। लेट्स टॉक अबाउट द इंजन ऑफ दिस कार। अगर हम यहाँ पे बात करें हुड की बिल्ड क्वालिटी की तो हुड की बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इंजन के बारे में तो यहाँ पे आपको दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक आपको 1 लीटर का इंजन देखने को मिलता है, दूसरा आपको 1.5 लीटर इंजन ऑप्शन मिलता है। जो आपका 1 लीटर इंजन है वो आपका 3 सिलेंडर्ड इंजन है एंड उसी के साथ जो आपका 1.5 लीटर का इंजन है वो आपका 4 सिलेंडर्ड है। यहाँ पे अगर हम दोनों इंजन की पावर डिस्कस कर लेते हैं तो जो आपका 1 लीटर का इंजन है वो आपको 115 पीएस की पावर निकाल के देता है एंड उसी के साथ अगर हम उसके टॉर्क की बात करें तो वो यहाँ पे आपको 178 Nm का पीक टॉर्क निकाल के देता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 1.5 लीटर इंजन की तो वो आपका 4 सिलेंडर इंजन है एंड वो आपको उसका पीक पावर है 150 पीएस का एंड उसका पीक टॉर्क जो है वो 250 Nm का पीक टॉर्क निकाल के देता है, 250 Nm का पीक टॉर्क। दोनों इंजन्स काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, 1 लीटर आपका माइलेज एफिशिएंट है एंड 1.5 लीटर इंजन थोड़ा सा परफॉर्मेंस एंथुजियास्टिक इंजन है। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।